हाय एवरीवन, आप सबों को फिर से एक न्यू ब्लॉग्स में स्वागत है। अभी हम झारखंड के चतरा सिमरिया में हैं, जहां पर आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आने वाले हैं। तो चलिए आज ले चलते हैं आपको वो करबला ग्राउंड, जहां पर हेमंत सोरेन सिमरिया में आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड को खाली करवाया जा रहा है, जगह जगह पर सिक्योरिटी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं आप चौक में कितने सारे सिक्योरिटी लगे हुए हैं, और रोड में लोग भर भर के उस ग्राउंड में जा रहे हैं जहां पर हेमंत सोरेन आ रहे हैं। देखिए रोड में कितना सारा भीड़ है। सो गाइस, तो अभी हम लोग करबला के इस ग्राउंड तक पहुंच चुके हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितना सारा भीड़ है। हर एक जगह पर सिक्योरिटी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ का प्रदर्शन, जहाँ पर आज हेमंत सोरेन आने वाले हैं। देखिए गेट पास भीड़ है, देखिए आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। और ये हमारे सिमरिया के स्टेडियम के अंदर जाने के लिए, और ये हमारे सिमरिया के चौक के करबला के पास मैदान है, वहाँ पे लगा हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भीड़ है, और ये मेन गेट है जहाँ से बड़े बड़े अधिकारी लोगों को पास दिया जा रहा है। ये अभी यहाँ पर रोड जल्दी से जल्दी खाली करवाया जा रहा है, अभी यहाँ पर उनका आगमन होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, और कोई भी गाड़ी को इस साइड से वो साइड जाने नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं सड़क में कितनी भीड़ है, कुछ लोग आ रहे हैं तो कुछ लोग जा रहे हैं, और कुछ लोग ग्राउंड में पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग नहीं भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं यहाँ। ये हम देख सकते हैं चलने का जगह नहीं मिल रहा है, कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है। देखिए यहाँ पे पार्किंग का स्टॉक है, तरह तरह की गाड़ियां। फॉर्चुनर से हमारे बड़का गांव विधानसभा के विधायक अमर प्रसाद जी का आगमन हुआ है, ये ब्लैक फॉर्चुनर से। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से लोगों को जबरदस्ती हटाया जा रहा है। क्या करना चाहेंगे बताइए यहाँ के बारे में। देखिए झारखंड के नेताओं को सभा करने का मतलब ये नहीं है कि वो कुछ काम करने वाले हैं, वो लोग सभा इसलिए करते हैं ताकि फिर से वो चुनाव जीत सके। देखिए झारखंड के नेताओं को यहाँ पर आने का मुख्य उद्देश्य यही होता है, और यहाँ पे आने का हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का मुख्य उद्देश्य भी यही होगा।